लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक। और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में आज के हमारे विचारक हैं मार्सिलियो। आज के हमारे चिंतक का नाम है मार्सिलियो। मार्सिलियो के राजनीतिक चिंतन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मार्सिलियो मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के तीसरे चरण का चिंतक है। पहले चरण में संत अगस्टाइन थे, जिनके द्वारा राज्य और चर्च के मध्य सत्ता के संघर्ष में चर्च और पोप की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया। दूसरे चरण में टॉमस एक्विनास थे, टॉमस एक्विनास के द्वारा राज्य और चर्च के क्षेत्राधिकार को अलग कर दिया गया और अलग करने के बाद चर्च को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया। अब तीसरा राजनीतिक चिंतक है मध्यकाल का मार्सिलियो। मार्सिलियो के द्वारा धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता के नियंत्रण के विचार का प्रतिपादन किया गया। इनका मानना है कि राज्य एक सर्वोच्च संगठन है, वह किसी भी अन्य संस्था और संगठन या किसी भी अन्य व्यक्ति से ऊपर है। सबके ऊपर राज्य को नियंत्रण रखने का अधिकार है। मार्सिलियो एक ऐसा राजनीतिक चिंतक है जिसके राजनीतिक चिंतन में आधुनिक काल की पृष्ठभूमि दिखलाई पड़ती है। और इसका जन्म होता है 1278 ईस्वी में। इसका जन्म इटली के पेडुआ नामक नगर में हुआ तथा मार्सिलियो के मृत्यु होते हैं 1343 ईसा पूर्व में 1343 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मार्सिलियो के द्वारा आपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंतर्गत किया गया, जिसमें एक का नाम है डिफेंसर ऑफ पेसिस और दूसरे का नाम है डिफेंसर ऑफ माइनर। इनके द्वारा लिखी गई दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसमें डिफेंसर ऑफ पेसिस को शांति का सुरक्षा कहा जाता है, और जो बातें डिफेंसर ऑफ पेसिस में छूट गई थीं उसी बात को डिफेंसर ऑफ माइनर नामक पुस्तक में मार्सिलियो के द्वारा उतारा गया। इसीलिए कहा जाता है कि डिफेंसर ऑफ माइनर एक प्रकार से डिफेंसर ऑफ पेसिस की पूरक पुस्तक के रूप में काम करती है। आप देखिए, हम लोग यहाँ पर एक बात को समझ चुके हैं कि मार्सिलियो का मूल उद्देश्य क्या है। मार्सिलियो का मूल उद्देश्य है राजसत्ता का नियंत्रण धर्म सत्ता के रूप में हो और राज्य की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया जाए और राज्य और चर्च के मध्य चल रहे लंबे संघर्ष को खत्म कर दिया जाए। इसका भी मूल कारण है कि अब
तत्कालीन समय में तत्कालीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत चर्च और पोप भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इसी बात से शुद्ध होकर के धर्म सत्ता को को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ी और धर्म सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और राज्य की सर्वोच्चता का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। देखिए, मार्सिलियो के राजनीतिक चिंतन पर मार्सिलियो के राजनीतिक चिंतन पर अरस्तु का प्रभाव दिखता है और अरस्तु के ही समान मार्सिलियो के द्वारा राज को एक सजीव प्राणी बतलाया गया और कहा कि मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है। और वह अपनी आवश्यकता के लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठन या वर्ग की सदस्यता ग्रहण करता है। मार्सिलियो के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन में इस बात पर भी बल दिया गया कि राज एक स्वाभाविक संगठन है जिसका उद्देश्य है कि वह राज के अंतर्गत नागरिकों में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करे और सभी वर्गों में समन्वय को बनाए रखें। इस बात का मार्सिलियो के द्वारा समर्थन किया गया। अतः एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए कि मार्सिलियो एक ऐसा चिंतक है जिसने इस बात को पूर्णतया नकार दिया कि राज पाप का परिणाम है, बल्कि इन्होंने यूनानी चिंतन के समान ही इस बात पर बल दिया कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है। सामूहिक प्राणी का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समूह की सदस्यता को स्वतः ग्रहण करता है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण नहीं है और उसकी पूर्णता का अंतिम दर्शन कहाँ पर होता है? राज्य में। इसलिए राज्य सभी वर्गों और अन्य संगठनों से सर्वोच्च है। राज्य के समान कोई अन्य संगठन नहीं हो सकता है। इस बात को मार्सिलियो के द्वारा कहा गया। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को अब इस बात को भी समझना है कि इसने अरस्तु के ही समान राज को क्या माना है। अरस्तु के ही समान राज की प्रकृति को सावयविक या आंगिक माना और कहा कि राज एक शरीर के
और राज्य एक शरीर के समान है और विभिन्न वर्ग विभिन्न वर्ग राज्य के विभिन्न वर्ग राज्य के अंग हैं। मार्सिलियो के द्वारा मूलतः छह वर्गों की बात की गई। पहला है कृषक, दूसरा है शिल्पकार, तीसरा है सैनिक, चौथा है प्रशासक और पांचवा है उद्योगी या पूंजीपति। और अगला है पुरोहित या पादरी। इस प्रकार से मार्सिलियो के द्वारा राज रूपी शरीर के जो अंग बतलाए गए वह इसके अंग हैं छह। और मार्सिलियो के द्वारा जिस प्रकार से राज की प्रकृति को सावयविक या अंगिक बतला करके छह अंगों की बात की गई, मूलतः अगर हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो अरस्तु के द्वारा भी राज में छह वर्गों की बात की गई थी। इसलिए आपको सवाल आएगा कि मार्सिलियो के द्वारा राज में कितने वर्ग की बात की गई, छह वर्ग के। प्लेटो के द्वारा राज में कितने वर्ग की बात की गई, तीन वर्ग की। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ना उसी के समान आपको आएगा कि कार्ल मार्क्स के द्वारा राज में कितने वर्ग की बात की गई, दो वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, या पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो इनके द्वारा छह वर्गों की बात की गई। इनके द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से शरीर का नियंत्रण अपने अंगों पर होता है, अपने अंगों पर होता है, वैसे ही राज का नियंत्रण विभिन्न वर्गों पर होगा। देखिए, कृषक और शिल्पकार का काम क्या है, उत्पादन करना, भौतिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना। मार्सिलियो के अनुसार कृषक और शिल्पकार का काम है। सुरक्षा देने का काम सैनिक का है। प्रशासक का काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, जबकि उत्पादन करने का काम, व्यापार करने का काम, व्यापार वाणिज्य को संपादित करने का काम उद्योगी या पूंजीपति का है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक परामर्श देने का कार्य या स्वर्गीय राज्य की बात करना किसका काम है, पुरोहित और पादरी का। इस आधार पर मार्सिलियो के द्वारा इस बात को समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि राज्य का जिस प्रकार से नियंत्रण कृषक वर्ग पर है, जिस प्रकार से शिल्पकार, सैनिक, प्रशासक और औद्योगिक वर्ग पर है, पुरोहित और पादरी इसका अपवाद नहीं हो सकता। पुरोहित और पादरी भी उसी प्रकार से राज्य के नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरोहित और पादरी वर्ग को भी अन्य वर्गों के समान मान लिया, जबकि इसके पूर्व के जितने भी मध्यकाल के राजनीतिक चिंतक हैं, संत अगस्टाइन, टॉमस एक्विनास के द्वारा चर्च और पोप को श्रेष्ठता प्रदान किया गया था, मार्सिलियो ने इसको पूर्णतया अस्वीकार कर दिया और इसी आधार पर इनके द्वारा राज्य दर्शन का और संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया। यद्यपि मार्सिलियो के द्वारा
संप्रभुता का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया गया है, लेकिन यूनानी चिंतक अरस्तु के ही समान राज को सर्वोच्च सत्ता प्रदान करने की बात करता है। अतः यह सत्य है कि चर्च और पोप को भी निर्देशित करने का, नियंत्रित करने का, उसका मार्गदर्शन करने का और उसकी को शक्ति देने का कार्य किसका होगा? राज का। अतः राज को स्वाभाविक, सजीव और व्यक्त को सामूहिक प्राणी बतलाकर राज की संप्रभुता का दर्शन प्रथम बार यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। दूसरा इनका विचार अन्य है कि आखिर राज्य और राज्य एवं चर्च में संबंध क्या होगा। ना इसके पूर्व के जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं, संत अगस्ताइन ने तो चर्च के नियंत्रण में राज्य को रखा, एक्विनास ने राज्य और चर्च को अलग अलग बतला करके लौकिक और पारलौकिक क्षेत्र का वर्णन किया, लेकिन मार्सिलियो के द्वारा कहा गया कि राज्य एवं चर्च में वही संबंध होगा जो संबंध राज्य और अन्य वर्गों में होगा, जैसे कृषक, शिल्पकार, सैनिक, प्रशासक, उद्योगी का, वैसे ही चर्च और पोप भी एक प्रकार से अन्य वर्गों के ही समान होगा, वह अलग से कुछ नहीं होगा। अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए चर्च राज्य के ऊपर आश्रित होगा, पादरी वर्ग भी राज्य के नियंत्रण में काम करेगा और राज्य के द्वारा बतलाए गए नियम और कानून का पालन करना उसके लिए भी उतना ही अनिवार्य होगा जितना कि अन्य वर्गों के लिए। आप देखिए इसके बाद मार्सिलियो का एक अन्य चिंतन है और वह चिंतन है जिसको कहा गया है कानून संबंधी विचार। कानून के विषय पर इनका विचार क्या है? कानून के विषय पर इनके विचार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके द्वारा दैवी कानून एवं मानवीय कानून में अंतर स्थापित किया गया है। इनके द्वारा कहा गया कि दैवी कानून यह ईश्वरीय कानून है और वह कानून ऐसा है जो स्वर्ग लोक तक पहुंचाने में मददगार है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय है, जबकि सार्वजनिक हित के आधार पर मानवीय कानून का निर्माण होता है और इसका निर्माण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। मानवीय कानून समाज में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करता है, लोगों को न्याय प्रदान करता है, अराजकता को खत्म करता है, नैतिकता एवं सदाचार को यह बढ़ावा देता है, यह सार्वजनिक हित को यह आधारित होता है, ऐसा मार्सिलियो के द्वारा कहा गया। और इसी आधार पर कहा गया है कि मानवीय कानून एक प्रकार से मानवीय कानून एक प्रकार से यह विवेक का एक अध्यादेश होता है। दैवी कानून अगम्य है, यह सामान्य जनता के समझ से परे है, इसका संबंध पारलौकिकता से है, उसी के अनुसार वहाँ जाने पर
निर्णय होगा और उस कानून के अनुसार व्यक्ति को पाप और पुण्य के तराजू में तौला जाएगा और यह निर्णायक केवल और केवल ईश्वर है। लेकिन इस धरती लोक पर इस दैवी कानून का आधार केवल और केवल मानवीय कानून के अनुसार संचालित होने वाली परिकल्पना के अंतर्गत मार्सिलियो के द्वारा बतलाने का प्रयास किया गया। अब देखें अगला इनका आया कि आखिर चर्च क्या होगा। चर्च के विषय में इनके द्वारा सर्वप्रथम बतलाया गया कि चर्च का क्षेत्राधिकार क्या है। दूसरा इनके द्वारा बतलाया गया कि चर्च की संपत्ति क्या कितनी होगी। तीसरा इनके द्वारा कहा गया कि पोप की पदच्युति भी की जा सकेगी। अगला इनके द्वारा बतलाया गया कि पोप की संप्रभुता का अस्तित्व नहीं होगा। कहा कि पोप की संप्रभुता का अस्तित्व नहीं होगा। इनके द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि धार्मिक जलसों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया कि चर्च में प्रतिनिधित्व की स्थापना की जाए। कहा गया कि चर्च में प्रतिनिधित्व की स्थापना की जाए, यह आवश्यक है। इसके साथ साथ इनके द्वारा जब इन बातों को कर दिया गया तब इन्होंने एक बात अन्य किया है और वह किया है कि सरकार के विषय पर इनका विचार। देखिए सबसे पहले चर्च का क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा। कहा कि चर्च का क्षेत्राधिकार केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना जिससे सदाचार एवं नैतिकता का समाज में विकास हो, यह आवश्यक है। धार्मिक उपदेश देगा, वह धार्मिक उपदेश जो समाज के लिए लाभकारी हो, जो समाज को सन्मार्ग की तरफ ले जाता हो, उन बातों का उपदेश देना चर्च और पोप का काम होगा। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में है लेकिन राज्य के नियंत्रण में बना रहेगा, ऐसा मार्सिलियो के द्वारा बतलाया गया। मार्सिलियो ने कहा कि चर्च और पोप एक चिकित्सक के समान है। चर्च और पोप एक चिकित्सक के समान है। जिस प्रकार से एक चिकित्सक या डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा लेने को कहा जाता है, दवा लेने की सलाह केवल दी जाती है लेकिन दवा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से चर्च और पोप की भी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। अर्थात वह केवल आध्यात्मिक उपदेश और मार्गदर्शन तो कर सकता है परंतु किसी को भी ऐसा करने के लिए उसके द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। वह एक चिकित्सक के समान अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, अर्थात वह किसी को बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ स्मरणीय बात है कि आपने इस विचार दर्शन के द्वारा ईसाइयत धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म को भी मार्सिलियो ने अपनाने की छूट दे दी। अर्थात मध्यकाल का मार्सिलियो एक ऐसा चिंतक है जिसके विचार में पंथ निरपेक्षता या धार्मिक स्वतंत्रता का
या धार्मिक स्वतंत्रता का विचार दिखाई पड़ता है या धार्मिक स्वतंत्रता का विचार दिखाई धार्मिक स्वतंत्रता का विचार दिखलाई पड़ रहा है क्षेत्राधिकार में। अब दूसरा इनका देखिए आया संपत्ति संबंधी विचार। मार्सिलियो के द्वारा चर्च और पोप के पास जो इकट्ठी अकूत संपत्ति थी उसका कड़ा विरोध किया गया, क्योंकि संपत्ति के ही कारण चर्च भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मार्सिलियो के द्वारा इसका खंडन किया गया और कहा गया कि जिस प्रकार से अन्य वर्गों की संपत्ति पर राज्य के द्वारा कर लगाया जाता है, वैसे ही चर्च और पोप की संपत्ति भर भी राज्य के द्वारा कर लगाना चाहिए, वह कर से मुक्त नहीं होगा। दूसरा, चूँकि वह संपत्ति आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा या राज्य के नागरिकों के द्वारा दिया गया अनुदान की वस्तु है, इसलिए अनर्गल माध्यमों से इसको खर्च करने का भी अधिकार चर्च और पोप को नहीं होगा, जिसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइंस को इशू करने का अधिकार, जारी करने का अधिकार राज्य को बना रहेगा। अर्थात राज्य के द्वारा चर्च की संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित करने की बात मार्सिलियो के द्वारा की गई और कहा गया कि चर्च और पोप के पास उतनी संपत्ति हो जिससे वह अपनी जीविका का निर्वहन कर सके। पोप की पदच्युति। पोप की पदच्युति का आशय है कि अगर पोप या पादरी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको पद से हटाने का भी अधिकार होगा। पद से हटाने का अधिकार किसको होगा? कहा कि जिस प्रकार से राज्य परिषद का गठन होता है, वैसे ही धार्मिक क्षेत्र में एक सामान्य परिषद का गठन होगा, और वह सामान्य परिषद यदि चर्च और पोप भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको हटा देने का अधिकार होगा, और हटाने के पश्चात योग्यतम जिसको धर्म और बाइबिल का ज्ञान होगा, जो आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रवीण होगा और सार्वजनिक हित के अनुसार काम करने वाला होगा, उसकी नियुक्ति की जा सकेगी। मार्सिलियो के द्वारा एक अन्य बात कहा गया कि धार्मिक जलसों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कहा कि धार्मिक उत्सव का होना केवल संपत्ति का अनावश्यक व्यय करना है, इसलिए धार्मिक जलसों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह केवल दिखावा है, प्रार्थना पूजा पाठ अलग विषय है, इसलिए ईसाई धर्मानुसार पूजा पाठ हो या अन्य नागरिक किसी अन्य धर्म के अनुसार पूजा पाठ करे, यह उचित है, लेकिन धार्मिक जलसों के ऊपर प्रतिबंध की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा का चर्च का प्रतिनिधित्व। मार्सिलियो का मानना है कि चर्च में अनेक विशेषज्ञों का जिनको आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान है उनका प्रतिनिधित्व हो। जिस प्रकार से राज्य के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है ताकि वह उत्तरदायी बना रहता है, वैसे ही चर्च में भी ना अनेक विशेषज्ञों का होना आवश्यक है जिससे चर्च को भी उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके साथ साथ आज चर्च के अंतर्गत मार्सिलियो के द्वारा पोप की संप्रभुता के अस्तित्व को पूर्णतया नकार दिया गया। कहा कि पोप संप्रभु नहीं है और पोप की सत्ता केवल और केवल राज्य के ऊपर आश्रित है, वह अन्य वर्गों के समान है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्सिलियो मध्यकाल का ऐसा चिंतक है जिसने चर्च और पोप की सत्ता का पूर्णतया खंडन कर दिया गया। मार्सिलियो के द्वारा एक अन्य बात कही गई, सरकार। और सरकार का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि अरस्तु के ही समान इसने शासन तंत्र को शाही राजतंत्र, वर्ग तंत्र और पॉलिटी में डिवाइड किया। कहा कि सरकार शाही राजतंत्र, पॉलिटी और वर्ग तंत्र में होगा। कहा पॉलिटी वह शासन है जिसमें नागरिकों के
सभी भाग को निश्चित समयांतराल पर सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। कहा कि यह शाही राजतंत्र को ना यह एक प्रकार से क्या है, निर्वाचित राजतंत्र है, उत्तरदायी होगा लेकिन वह वंशानुगत भी होगा, परंतु वह निर्वाचित होगा। केवल अकेले ही पूर्णतया वह उत्तराधिकार या वंश परंपरा पर ही आधारित नहीं होगा, अर्थात राजा या शासक भी एक प्रकार से केवल विधायक की भूमिका में होगा। और विधायक का काम क्या है, सार्वजनिक हित के लिए नियम और कानून का निर्माण करना। देखिए, इसके साथ साथ मार्सिलियो के द्वारा सरकार के तीन अंगों का भी वर्णन किया गया, विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। मार्सिलियो ने कहा कि न्यायपालिका का नियंत्रण विधायिका और कार्यपालिका पर होना चाहिए। न्यायपालिका को सरकार के अंगों में इसने सर्वोच्च माना। इसलिए आपको सवाल आएगा कि मार्सिलियो ने सरकार के किस अंग को सर्वोच्च माना है, न्यायपालिका को, और न्यायपालिका का नियंत्रण किसके ऊपर होगा, विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर। कार्यपालिका के अंतर्गत किसका समर्थन किया है, निर्वाचित राजतंत्र का। निर्वाचित राजतंत्र वंश परंपरा के अनुसार होगा, लेकिन उसको पदस्थापित करने, पदच्युति करने का अधिकार नागरिक समाज को होगा। इसका समर्थन किसने किया है, मार्सिलियो ने। डिफेंसर ऑफ पेसिस का लेखन किसने किया है, डिफेंसर ऑफ माइनर का लेखन किसने किया है। राज्य की सर्वोच्चता और संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया है। और मूलतः यह पहला ऐसा चिंतक था जिसने तत्कालीन इटली के पतन हेतु इसने चर्च को उत्तरदायी माना था। और आपकी परीक्षा में यह सवाल आया है, लेकिन वह सवाल अलग से आया हुआ था। और सवाल था कि मैकियावेली ने इटली के अपकर्ष के लिए या इटली के अवनति के लिए किसे उत्तरदायी माना। तो आपका उत्तर होगा चर्च या पोप को। लेकिन इसकी बात सबसे पहले किसने किया था, अगर आपको ये सवाल आ जाए तो इसका उत्तर होगा मार्सिलियो। मार्सिलियो के द्वारा सबसे पहली बार इस बात पर बल दे दिया गया था कि इटली या चर्च, इटली के पतन के लिए चर्च ही उत्तरदायी है। इसी आधार पर इनके द्वारा कहा गया कि कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर न्यायपालिका का नियंत्रण होना आवश्यक है। और न्यायपालिका के नियंत्रण के साथ साथ इसने कहा न्यायपालिका स्वतंत्र हो और न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने मार्सिलियो के अपने इस क्लास में आज बातें जो किया, उसे यह निष्कर्ष निकला कि मध्यकाल का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन केवल इसी बिंदु पर आधारित रहा है कि चर्च बड़ा है या राज्य बड़ा है। ना तीनों विचारकों के द्वारा इस पर अलग अलग अपने विचार का प्रतिपादन किया गया,
लेकिन लास्ट में मार्सिलियो के द्वारा जिन विचारों का प्रतिपादन किया गया उससे आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तैयार होती है, और इस आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तैयार होने के बाद राज्य की सर्वोच्चता और श्रेष्ठता का मार्सिलियो के द्वारा प्रतिपादन करके चर्च के ऊपर भी राज्य के नियंत्रण को पूर्णतया स्वीकार कर लिया जाता है, और मार्सिलियो के साथ ही मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का एक प्रकार से अंत हो जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण क्रांति होती है, धर्म सुधार आंदोलन होता है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक महान चिंतक का अभ्युदय होता है इटली में ही, जिनका नाम है मैकियावेली। हम लोग अपने अगले क्लास में मैकियावेली का अध्ययन करते हैं। आज का क्लास यहीं तक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।